हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद सीमा। आज मैं आपके साथ पनीर और शिमला मिर्च की एक बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और इंटरेस्टिंग सी सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और इसका स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। और इसे हम घर में मौजूद मसालों से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इस स्वादिष्ट सी पनीर की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। पनीर शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई लेकर और उसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। और इसी तेल में हम 1 मीडियम साइज का प्याज और 1 मीडियम साइज के शिमला मिर्च और 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसे हम फ्राई करेंगे। तो प्याज और शिमला मिर्च को मैंने डाइस में काट लिया है। आप इसे किसी अन्य शेप में भी कट कर सकते हैं, पर यह देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे इसी तरह से काटा है। और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए या फिर हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई कर लेंगे। दो से तीन मिनट फ्राई करने के बाद आप देख रहे हैं सब्जियां हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का सा क्रंची साइड में ही रखना है। और अब इसी कढ़ाई में हम पनीर के पीसेस भी फ्राई कर लेंगे। पनीर को फ्राई करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं। पनीर पे हल्का सा कलर आ गया है, तो बस हमें अब इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई करने से पनीर का टेक्सचर रबड़ी हो जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसे भी हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल और ऐड कर देंगे। जैसे ही तेल गर्म होता है, इसमें हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। और इसके साथ ही इसमें 2 हरी मिर्च को भी मैंने बारीक काट कर ऐड कर दिया है। 1 मिनट के लिए जीरे और हरी मिर्च को हम पका लेंगे। और अब यहाँ मैंने 1 बड़े साइज के प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है, तो प्याज को ऐड कर देंगे। और प्याज को हम हल्का सा गुलाबी होने तक भुनेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे लाल या ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज होता है, बस हमें उतना ही भुनना है। 3 से 4 मिनट भुनने के बाद प्याज का कलर ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो इस स्टेज पर इसमें 1 बड़ा चम्मच हम बेसन ऐड करेंगे। और बेसन को भी प्याज के साथ हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इस तरह से प्याज और बेसन दोनों एक साथ भून जाएंगे। 3 से 4 मिनट भुनने के बाद बेसन से अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब इस समय इसमें 1 बड़ा चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन को 1 मिनट भुनने के बाद अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, तो इसे हम ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब टाइम है इसमें सूखे मसाले ऐड करने का। तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। और यहाँ मैं 1.5 चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिससे सब्जी में बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक देंगे। और ढक कर हम 7 से 8 मिनट के लिए या फिर जब मसाले से तेल ना अलग होने लगे तब तक पकाएंगे। 7 मिनट पकाने के बाद ढक्कन हटाकर एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं मसालों ने बहुत ही अच्छे तरह से तेल छोड़ दिया है। तो अब इस समय मैं यहाँ 3 बड़े चम्मच इसमें फ्रेश मलाई को फेंट कर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह 3 बड़े चम्मच ही दही भी ऐड कर सकते हैं। जब भी आप
सब्जी में मलाई या दही ऐड करें तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। और अब यहाँ मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आप अपने पसंद के अनुसार थोड़ी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, पर यह सब्जी थोड़ी सी थिक साइड में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक देंगे और ढक कर फिर से हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सरफेस आउट हो गया है, और इसे फिर से हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सब्जी की ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है। तब इसमें हमने जो सब्जियां फ्राई की थी उसे ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढककर हम मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि गरम मसाला का फ्लेवर सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सब्जियां भी हमारी अच्छी तरह से पक जाए। तो 4 से 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया तो आप देख सकते हैं, देखने से ही सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार लग रही है। तो एक बार इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे और अब हमारी सब्जी ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसे सर्व करने के लिए एक प्लेट पर निकाल लेंगे। देखने से ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेम्पटिंग लग रही है। इसे आप गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, नान या फिर पराठे के साथ सर्व करें तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और आपने देखा कि इसे हमने घर में रखे हुए मसालों से ही बनाकर तैयार किया है। तो एक बार आप इस तरह से पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी ज़रूर ट्राई करें, आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।